का जो मुआशरा है वो बहुत डिफरेंट का है कि थर के औरतों को इतना लो भी नहीं था कि पड़ोस में किसी के घर भी जाए। बीमारी जब होती है तो जैसे या किसी के साथ हम उधार सुधार लेते हैं और नहीं तो बस ऐसे ही ठीक हो जाती है। थर की औरतें जो काम अर्निंग के लिए करती थी वो रैली बना ली या कढ़ाई कर ली या सिलाई कर ली। हमारी मजबूरी होती थी इसलिए हमारे बच्चों को खर्ची चाहिए, शेयर चाहिए, चीज़ चाहिए, उसको अच्छे कपड़े चाहिए। यहाँ सिंध एंग्रोकोल माइनिंग कंपनी वालों ने अलग से हर एक गांव में जाके इश्तहार भेजे थे, वो हमने इश्तहार देखे और फिर उसमें लिखा हुआ था कि औरतों को हम डंपर ड्राइविंग सिखाएंगे और उसके अलावा हमारे जो मर्द हजरात हैं उनको भी यहाँ पे जॉब मिलेगी। इन मर्द हजरात को भी इनको साथ जॉब दी गई है, 15,000 उनकी सैलरी है। जो औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थर की, वो आके वो काम करें जो उनके मर्द करते हैं। हमारे औरतों के लिए ये सीखना तो क्या सोचना भी मुश्किल ही नामुमकिन था। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है और थड़ी ख्वातीन जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हम कभी गाड़ी चला सकेंगे और उनको जो है हम डंपर ड्राइवर बना रहे हैं। मुझे ड्राइविंग का शौक भी था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें हिस्सा बन जाऊं। मेरे भाई ने घर में आके बात की मेरे से, ठीक है चे अब चलना है डंपर ड्राइवरी प्रोग्राम है, हमारे को हिस्सा लेना है। एक साल का प्रोग्राम है, इसमें हम लोग ड्राइवर्स को जो ट्रेनर्स हैं डंपर ड्राइवर्स उनको हम ट्रेन करेंगे। पहले हम उनको मिनी जीप पे स्टार्ट किया है हम उनको, तब हम देन कार पे लेके जाएंगे, देन आफ्टर वन मंथ हम उनको बड़ी जीप पे लेके जाएंगे 4x4 पे, और फिर इस तरीके से हम उनको आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करते करते डंपर तक लेकर आएंगे। मोर देन 8 to 9 months बाद वो डंपर चलाने के लिए कैपेबल हो चुके होंगे। दिन में हज़ार मरतबा एक एक बंदी को जाके पढ़ाया लिखाया सिखाया और ये भी समझाया कि आप ये समझो कि हमें एक अच्छा डंपर ड्राइव बनना है और हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। मेरे हस्बैंड भी पहले कह रहे थे नहीं नहीं हम नहीं करते, और जब मुझे सैलरी मिल गई ना उसके बाद वो खुश है, वो कह रहा है चलो सही है हर मंथ 18,000 मिलेंगे और मुझे भी सैलरी मिलेगी तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। उनकी जो फ्यूचर प्लानिंग है वो SECMC कर रहा है ताकि थर के लोग थर की औरतें अपनी ज़िंदगी को संवार सकें, उनको एक हुनर दे रहे हैं जो वो दुनिया में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, वो अच्छा खा सकेंगे, अपने बच्चों को अच्छे डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं और बच्चों को अच्छे स्कूल में एजुकेशन दिलवा सकते हैं। बैठने सीखने बात करने का बहुत कुछ सिखाया, शायद मेरी अम्मी अबू ने मुझे इतना नहीं सिखाया होगा। माँ बेटे अब खुश हो जाएंगे, मेरे बेटे को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, किताब ड्रेस वगैरह ये लेके दूंगी। बाहर के लोग आके हमारे थर में आके फ़ायदा उठा रहे, हम खुद भी तो कुछ फ़ायदा उठाएँ और अपने थर को भी रोशन करें, ताकि हम थरियों के तो नाम होंगे कि थर के लोग अपने थर को रोशन कर रहे हैं।